नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देख रहे हैं हम भारत के भौतिक विभाजन पर वीडियो, जिसमें ये क्रम तीसरा है। इसमें हम बात करेंगे हिमालय की, जो हम पिछले वाले वीडियो में बात कर रहे थे उसके कुछ बचे हुए पार्ट पे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको ये नोट्स रीड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, जिस पे क्लिक करके आप इसे रीड कर सकते हैं। साथ ही आपको फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें बहुत सारी सामग्री, पाठ्य सामग्री, साथ ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन उसमें समय समय पर प्रेषित की जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी वेबसाइट पर हिस्ट्री के भी नोट्स पड़े हैं, पॉलिटिकल के भी नोट्स पड़े हैं, इकोनॉमिक्स के भी पड़े हैं, सभी के नोट्स वहाँ पे डले हुए हैं आप लोगों के लिए। आप उन्हें फ्री में कभी भी जब चाहें जब पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चट्टानों का क्रम है, मैं उनको सबसे पहले उन चट्टानों का क्रम आपको बता देता हूँ, ताकि आगे वो समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पे मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैंने लिखा है ए, उसके बाद मैंने लिखा है डी, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है के, उसके बाद वी और फिर जी। एक तो इसको ये ध्यान में रख लीजिए, ए डी के वी जी, ए डी के वी जी, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो इनका निर्माण जो हुआ वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ। कौन सी मुख्य घटनाएं थी? एक तो चट्टानों का रूपांतरण, दूसरा भ्रंशन। इन दो घटनाओं से मुख्यतया इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ, तो मतलब सबसे पहले जो चट्टान थी वो कौन सी थी? आर्कियन। इसके बाद में कौन सी चट्टान सामने आ गई? धारवाड़, एडी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो चट्टान थी, शिलाएं थी, इनके अंदर ज़्यादातर इनकी प्रकृति कैसी है? धात्विक है, जिसमें धातु कौन कौन सी थी? सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सब खनिज इसके अंदर प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट जो चट्टान आती है वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान का जो निर्माण हुआ वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। ये इनका समय निर्धारण है, तो ए डी के तक हम पहुँच गए। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान जो है, इसका निर्माण जो हुआ वो धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद में हुआ। पहले आर्कियन थी, फिर धारवाड़ और फिर कुड़प्पा। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की जो चट्टान आई, ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद आई, तो मतलब ए डी के वी, ओके। और इनमें मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या था? चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, इस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया जी। जो मैंने शुरू में लिखा था वो क्रम अब आपको समझ में आ जाएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने और गोंडवाना क्रम की चट्टाने। तो ए डी के वी जी, इन चट्टानों के निर्माण के क्रम हमें ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही नहीं है, तो ए डी के वी जी, इनका नाम भी जरूर ध्यान से रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि भारत का अधिकांश कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। एक प्रश्न ये भी है कि भारत का जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, और इस गोंडवाना क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का मिलता है, और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो भाई सीधी सी बात है कि भारत में जो अधिकांश कोयला मिला वो गोंडवाना क्षेत्र से मिला, इसमें कोयले की उच्च श्रेणी होती है, यहाँ पर बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, और बिटुमिनस कोयले में सल्फर की मात्रा न्यून होती है। बहुत सारी इसमें विशेषताएं यहाँ पे सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया एक चट्टानों का क्रम, जो कि हमारे टॉपिक के बीच में आ गया था। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और ए डी के वी जी को ध्यान में रख लीजिएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः,
इन चोटियों को देखते जाइए, धौलाधार, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम स्थित है, ठीक है। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर की क्रम की चोटियां हैं, धौलाधार हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख और काराकोरम। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय से संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है ये लघु या मध्य हिमालय से संबंधित है। इस चीज को भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए ध्यान से। पूछ लिया जाए कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस हिमालय श्रेणी में अवस्थित है, तो हमें आंसर देना है लघु या मध्य हिमालय। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यहाँ पे समझाया हुआ है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। धौलाधार को अलग कर दिया हमने, जबकि काराकोरम पूछ लिया जाए, लद्दाख पूछ लिया जाए या जास्कर पूछ लिया जाए, ये तीनों की तीनों ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर हुआ जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः और हैं, जिनमें पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो मध्य हिमालय में देखिए धौलाधार भी आ गया और पीर पंजाल भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं, इसके आगे वृक्ष नहीं उग पाते। तो पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान जो है वो 3600 से 3800 मीटर तक है, 3600 से 3800 मीटर तक है, यहाँ तक पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसके आगे नहीं। जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान और घट जाता है, जो 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम रहता है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का ट्री लाइन का मान कम रहता है। ट्री लाइन क्या है? वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वनस्पति धीरे धीरे लुप्त होती हुई चली जाएगी। तो देखिए, साथ ही वनस्पति में परिवर्तन आया, साथ ही जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख जो कारण हैं वो बहुत ही मोटे तौर पर देखे जाते हैं, सरल से हैं कि भाई ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना, हवा का हल्का होना, ये सब शामिल है। तो अधिक ऊंचाई पर ये सारी चीज़ें लागू होती चली जाती हैं और वहाँ पर वनस्पति कम होती चली जाती है, जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ भू क्षेत्र का कम होना, जलवायु परिवर्तन, अक्षांशीय स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे जैसे हिमालय में ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर जाते जाएंगे, वनस्पति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, गायब हो जाएगी, स्थल वहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। जलवायु बिल्कुल वहाँ पे अलग रहेगी, अक्षांशीय स्थिति का वहाँ पे प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, वायुमंडल दबाव कम रहेगा, तापमान में गिरावट होगी, वर्षा परिवर्तन होगा, मिट्टी होगी जो अनुपजाऊ होगी, तो सीधी सी बात है वनस्पति नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, पटकोई या पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं ये मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है पूरे नोट्स में, आप इन्हें जरूर रीड आउट कीजिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप वहां पे चले जाएंगे और इन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो पीर पंजाल, देखिए पटकोई पहाड़ियां हम बता दिए आपको, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संबंधित है, जबकि मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है, ओके। नेक्स्ट देखिए, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, हमने अभी ऊपर देखा था, और यह हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो राज्यों में स्थित है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये विस्तारित है। इनकी दिशा भी दी गई है किस दिशा में ये विस्तारित है और किन राज्यों में ये अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट देखिए,
अक्साई चीन का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई बार ये मुद्दे गर्म भी रहते हैं। तो अक्साई चीन की जो स्थिति है, ये भारत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मेलन संधि स्थल पर है, ठीक है, जहाँ पर भारत चीन और पाकिस्तान तीनों की सीमाएं मिलती हैं, उस स्थल पर है ये अक्साई चीन की स्थिति। इसे भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा लिया था। स्थान जगह तो भारत की है, लेकिन जब 1962 में वॉर हुआ चीन के साथ में, तो चीन शक्तिशाली था, उसने ये स्थान कब्जा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा का विवाद क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। तो एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि लद्दाख पठार कहाँ पर स्थित है, तो अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। भारत के साथ चीन का जब युद्ध हुआ 1962 में, तो चीन ने कुछ स्थानों पर कब्जा कर लिया और वो अक्साई चीन कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो उनमें प्रमुख जो रिसोर्सेज हैं वो केवल क्या हैं, वन हैं, जो कि इस क्षेत्र का 65% भूभाग पर स्थित है। मतलब पश्चिमी हिमालय में जितना भी पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, उसका 65% भूभाग पर वन आच्छादित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, या कहीं कहीं 8850 मीटर भी मिलती है। तो महान हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, लगभग 8848 मीटर। इस लाइन में तीन प्रश्न हैं, बनते हैं, तीनों को ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, मध्य या लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत श्रेणी कभी ना सुना हो तो यहाँ पर देख लो कि महाभारत श्रेणी या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है मध्य या लघु हिमालय को। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य की यदि हम देखें तो इनके अंदर मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये हमने देख लिया। और पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इसी प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है, इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। हम भारत के प्राकृतिक भौतिक प्रदेश ही तो पढ़ रहे हैं, तो जिस भी प्रकार से हम ये अध्ययन कर रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान से देखते हुए जाइए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, हम उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण और मध्य भारत की बात करें तो भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है। मेज की आकृति वाला स्थान है प्रायद्वीपीय पठार, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अब यहाँ पे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी आकृति है एक तो मेज की आकृति, दूसरी बात वो बना किससे है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय या रूपांतरित शैलों से इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं मान लीजिए। पहली बात तो इसका निर्माण हुआ गोंडवाना भूमि टूटने के बाद में और अपवाह के कारण, ठीक है। दूसरी बात, ये प्राचीनतम भूभाग है। तीसरी बात, इसके अंदर चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। चौथी बात, इस पठार के मुख्यतः 2 भाग बन जाते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, जो दूसरा भाग उसका बन जाता है मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग
जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, पठार आपस में जुड़ गए कि मालवा पठार के अधिकतर भाग पर फैला हुआ है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पार्ट था, इसकी असली कहानी निकल कर सामने आ गई है कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना गया। और विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। नेक्स्ट देखिए, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी, इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह है अरावली भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अरावली कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत होते क्या हैं? तो अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहते हैं दोस्तों जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा काटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दिखाई देता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वतों के और भी उदाहरण हैं जैसे विंध्याचल, अरावली तो है ही, और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं ये दक्कन के पठार का भाग हैं। इनका विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। इसे हमें ध्यान से देखना है कि जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये कौन से पठार का भाग है भाई? दक्कन के पठार का भाग है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। एक एक पॉइंट दिमाग में से क्लिक हो जाना चाहिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए, समझिए चीजों को। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर तो बहती है नर्मदा और दक्षिणी भाग पर बहती है ताप्ती नदी। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तरी भाग पर तो बहती है नर्मदा, दक्षिणी भाग पर बहती है ताप्ती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सतपुड़ा श्रेणियाँ, सतपुड़ा पहाड़ी की श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, ताप्ती और नर्मदा के। तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता पर्वत जो श्रेणियाँ हैं वो औरंगाबाद तो जिला है और वो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट देखिए, धूपगढ़ी या धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। तो पंचमढ़ी में स्थित है धूपगढ़ी। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। हर एक लाइन में यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार नाम सुना होगा आपने सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। सह्याद्री तट, पश्चिमी तट, इसका विस्तार देखिए कहाँ पर है? गुजरात से तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। केरल में पश्चिमी घाट को सर्व पर्वतम के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वत श्रेणी हो जाएगी वहाँ पर, केरल में सर्व पर्वतम के नाम से जाना जाएगा। पश्चिमी घाट की औसत जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। इसका जो क्षेत्र है तट के साथ वो है 1600 किलोमीटर और गुजरात से लेकर तमिलनाडु के बीच में ये विस्तृत है।
नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। तो अनाईमुड़ी चोटी जो है वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और कौन से राज्य में स्थित है? केरल में। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में यदि तुलना करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है पश्चिमी घाट का, और सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट देखिए, नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेनरू नदी के बीच में स्थित है। नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और पेनरू नदी के बीच में स्थित है। राज्य तो एक ही है आंध्र प्रदेश, नदियां दो हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो ओडिशा में है से नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, इसकी ये स्थिति बता दी गई है। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी की पहाड़ियां। एक प्रश्न ये क्लियर हुआ कि पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है, जहां पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिला वहां पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर ऊंची। कौन सी? दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंची नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। है ना महत्वपूर्ण प्रश्न? नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति, टोडा मतलब तमिलनाडु में है, टोडा जनजाति निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, ये हम ऊपर देख चुके। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल व कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है, तीन राज्यों में विस्तृत है और यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम की पहाड़ियां दक्षिण भारत की दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अवस्थित हैं। कार्डमम की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो प्रश्न तो यही आ जाता है कि भाई इलायची की व्यापक पैमाने पर खेती कहाँ होती है? तो कार्डमम की पहाड़ियों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास है। शेवराय सलेम कहाँ पर? तमिलनाडु। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। पूर्वी घाट का ही हिस्सा है शेवराय की पहाड़ियां, तमिलनाडु के सलेम कस्बे में स्थित है। 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया इन्होंने ले रखा है पहाड़ियों ने, और पूर्वी घाट का ही ये हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉरकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महादेव कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। गडजात की पहाड़ियां ओडिशा राज्य में है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। कई प्रश्न क्लियर हो रहे हैं यहां पर कि गोंड जनजाति ओडिशा राज्य में गडजात की पहाड़ियों पर निवास करते हैं, और बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अजंता की गुफाओं का नाम तो सुना होगा आपने, तो अजंता श्रेणी का विस्तार केवल और केवल कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। जितनी भी महत्वपूर्ण छोटी बड़ी पहाड़ियां यहाँ पर हैं, इन नोट्स में सम्मिलित हैं। तो हमारी वेबसाइट पे ये ऐसे के ऐसे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं अपने तरीके से, आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियोस के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी फॉर्मेट में आपको ये दिए जाएं आपके लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट देखिए, ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए, ये मैकाल श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो ये सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल के बारे में पूछ लिया जाए
तो कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? सतपुड़ा की। किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वहीं अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केवल केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है। नीलगिरी की पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु के रूप में जानी जाती हैं, स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदाबेटा है, 2637 मीटर ऊंची। नेक्स्ट देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में है, दूसरा पूर्वी अरब सागर और तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे में स्थित है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ें देखी थी। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। ये पंचमढ़ी में स्थित है। तो साथ के साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है। रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का ही हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां और राज्य दे रखे हैं, जैसे गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में स्थित है। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्वत की चोटियों की। तो देखिए, पर्वत चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर तथा ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसके बारे में कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं हम, जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में ही सफलता मिल गई थी। तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, जिसने एवरेस्ट पर फतेह कर दी थी 1984 में ही। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वो हमने हिमालय का देखा था, जो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अब भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे K2 भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन या K2। ये पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। अब देखिए, भारत में माना जाता है, क्योंकि शुरू में जो हमने पहले वीडियो में बात की थी, भारत का क्षेत्रफल जो बताया था, उसमें पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र भी है, चीन के द्वारा जो कब्जा किया गया वो क्षेत्र भी है, लेकिन हम उसको अपना ही संपूर्ण क्षेत्र मानते हैं। तो इस प्रकार हम बताते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2, 8611 मीटर, लेकिन फिलहाल ये जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड जो एरिया है, पाकिस्तान द्वारा जो अधिकृत जो भारतीय भूभाग है, उसके अंदर इसकी स्थिति है, वहाँ स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। तो भारत की पहली K2, दूसरी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये क्रम बनता जा रहा है ना। तो नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है 7816 मीटर। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित किया गया है। कई प्रश्न बन गए। तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की नंदा देवी, सबसे ऊंचा शिखर 7816 मीटर। यह पूरा क्षेत्र किसमें घोषित किया जा चुका है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में 1988 में संरक्षित किया गया था।
अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेत पर्वत शिखर या त्रिशूल, कई बार टिपिकल प्रश्न भी सामने आ जाते हैं हमारे, जो हमने कभी देखे नहीं सुने नहीं। पूछ लिया जाए भाई कामेत और त्रिशूल पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमने यहाँ पे देख लिया है तो हमें ध्यान में रह जाएगा कि उत्तराखंड में स्थित है। गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। वहीं माउंट आबू अरावली का ही भाग है, माउंट आबू जो है अरावली का ही भाग है राजस्थान के अंदर। गर्मियों में यहाँ पे बहुत सारे सैलानी घूमने आते हैं। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ी में स्थित है। थोड़े ये दक्षिण के जो नाम होते हैं दक्षिण भारत के, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो इनको बहुत बार पढ़कर किसी भी तरीके से ध्यान में रख लेना चाहिए कि दक्षिण भारत का कोडाई कनाल, ठीक है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलनी पहाड़ी पर स्थित है। ये पर्वत चोटियों की बात हम कर रहे हैं। जुंको तबई एक जापानी पर्वतारोही है जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया था, और ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बन गई थी। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है। पहली बात तो जुंको तबई किस देश से हैं, जापान से, पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह करने वाली महिला बनी। 16 मई 1975 को ही चढ़ गए थे माउंट एवरेस्ट पर। साथ ही इन्होंने 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर भी फतेह करने के लिए पहली महिला का इन्हें दर्जा प्राप्त है। और भारत की कौन थी, बछेंद्री पाल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही है संतोष यादव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कुछ घाटियों के बारे में। देखिए, हिमालय समानांतर श्रेणी से निर्मित है, समानांतर श्रेणी में निर्मित है। इनमें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं, भागीरथ घाटी गंगोत्री के समीप और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप, ये कुछ घाटियाँ हैं। और अनेकों घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित इन्हें किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है, मतलब यहाँ पे जनसंख्या भी है, पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र भी है जितनी भी ये घाटियाँ हैं, ठीक है। कुल्लू घाटी जो है हिमालय प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तराकाशी जिला गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलांग घाटी। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ उसके बाद नागरिकों के लिए इसे बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है दोबारा से। कौन सी, नेलांग घाटी। मरखा घाटी लद्दाख जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जुक्कू घाटी स्थित है। कोई भी छोटे से छोटा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है मित्रों, बिल्कुल फ्री में आपके लिए पढ़ने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट देखिए, सांगला घाटी की बात करें तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहाँ पर स्थित है। यहाँ से 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रोकोडेंड्रॉन झाड़ियाँ और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है ये घाटी। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है।
तो किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है? युथांग घाटी, जो गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, शांत घाटी या मौन घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, ये केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल में स्थित है, पलक्कड़ पालघाट जिले में, ठीक है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इस प्रकार हमने ये कुछ घाटियां देखी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, हर परीक्षाओं की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं कुछ दर्रों की। तो देखिए, दर्रे, दर्रे क्या होते हैं? दरअसल में किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे दर्रा या पास कहते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी बेसिन से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनमें होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरता है। सही बात है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5,654 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुर्जिल दर्रा है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। जोजिला से श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग खुलता है। वहीं बनिहाल या बिनहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। शिपकिला शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा मंडी से ले जाने का मार्ग है ये, या मंडी से ले को जोड़ता है। थांगला उत्तराखंड से कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, या इन स्थानों को ये जोड़ता है। माना नीति लिपुलेख, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। तो देखिए, माना दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। माना दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसे चिरबितिया ला या डोंगरी ला भी कहते हैं, उपनाम हो गए इसके। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सायिका नदी सरस्वती का उद्गम होता है। कई प्रश्न इसमें क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए, लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा पर है, माना दर्रा भारत और तिब्बत सीमा पर है, और लिपुलेख भारत चीन सीमा पर है। थांगला माना नीति लिपुलेख दर्रे मानसरोवर झील कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। इन दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा है। सिक्किम नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो नाथुला हिमाचल क्षेत्र में समुद्र तल से 4,508 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीन क्षेत्र में तिब्बत पठार को चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत और चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारत और चीन के बीच में सीमा व्यापार पॉइंट है ये नाथुला। अन्य दो व्यापार पॉइंट है उत्तराखंड में लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला। तो हम ये कह सकते हैं चीन के साथ भारत के व्यापार पॉइंट एक तो नाथुला हो गया, एक लिपुलेख हो गया और एक शिपकिला हो गया, ये तीन है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध जब हुआ तो बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को दोबारा से खोल दिया गया। सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी कामेंग जिला में स्थित है और ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू व पांगसाड दर्रा अरुणाचल प्रदेश
भारत व म्यांमार सीमा पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है भारत व म्यांमार सीमा पर। मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा से इम्फाल व तामू व म्यांमार जाने का मार्ग निकलता है। पश्चिमी घाट ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रा 855 मीटर से मुंबई नागपुर कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो पूछा जा सकता है मुंबई नागपुर कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग किससे गुजरते हैं, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे से। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से मुंबई ठाणे बेलगांव चेन्नई रेलमार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इडोर के रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो पालघाट तो हो गया नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में, भोरघाट और थालघाट ये हो गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला जम्मू कश्मीर में स्थित है, बूमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, मौसमी दर्रा है और जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दर्रों के बारे में देखा कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं दर्रे और जहाँ वो स्थित है उन राज्यों पर। देखिए, चांगला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, से ला अरुणाचल प्रदेश में ही है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, नीति उत्तराखंड में, मानाबी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, लिपुलेख भी उत्तराखंड में, बूमला अरुणाचल प्रदेश में, मुलिंगला उत्तराखंड में, जेलेपला सिक्किम में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और पालघाट केरल में स्थित है। तो हमने दर्रे देखे, प्रमुख चोटियां देखी। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में यहीं तक देख पाएंगे। आगे हम देखेंगे हिमरेखा और हिमनद क्या है, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और हाँ, हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर ज़रूर जाइए, जहाँ पर आपको ऐसे अनेकों नोट्स बहुत सारे विषयों के मिल जाएंगे जिन्हें आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस पीडीएफ आदि दी जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।